दोस्तों, हम मार्केट से जो भी काजू खरीद कर लाते हैं उसे पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में नहीं लाया जाता है, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है। इसलिए काजू को खाने के लायक बनाने के लिए काजू को ज़रूरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर यह हमारे खाने के लायक बनता है। दोस्तों, आज हम काजू को खाने के लायक बनाने के लिए फैक्ट्री में होने वाले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले काजू के फलों को तोड़कर बड़े बड़े फैक्ट्रियों में ला लिया जाता है। उसके बाद केस्यू एप्पल यानी काजू के फलों के नीचे लगी किडनी के आकार के गिरी को अलग किया जाता है। ये सब हो जाने के बाद काजू के गिरी से मॉइस्चर निकालने के लिए उन्हें लगभग 3 दिनों तक धूप में सुखा दिया जाता है और इन्हें अच्छे से सुखाने के लिए हर दिन पलटा जाता है। उसके बाद सुखाई हुई काजू के गिरी को हाई टेम्परेचर स्टीम के जरिए अच्छे से रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग का टाइम गिरी के छोटे बड़े आकार पर डिपेंड करता है। इसे सुखाने के बाद इसका कटिंग प्रोसेस होता है। गिरी का छिलका काफ़ी कठोर होता है, इसलिए इसे लेग ऑपरेटिंग मशीन और हैंड मशीन के जरिए अलग किया जाता है, ताकि इसके अंदर का काजू ना टूटे। काजू के गिरी के अंदर हानिकारक कैस्यू नेट सेल लिक्विड होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसकी कटिंग की जाती है। ये हो जाने के बाद काजू के गिरी को 70 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इनमें मौजूद चिपचिपा पदार्थ उड़ जाता है। इसके बाद काजू के गिरियों को छीलने का प्रोसेस होता है, जिस कारण काजू का ऊपरी छिलका निकल जाता है। छिलका निकल जाने के बाद काजू के ग्रेडिंग या छटाई मशीन की हेल्प से की जाती है, जिसमें कलर, साइज और शेप के आधार पर काजू के अलग अलग 25 से ज़्यादा ग्रेड बनाए जाते हैं। ग्रेड तैयार होने के बाद काजू का फ्यूमिगेशन किया जाता है, जिसमें काजू को मशीन के हेल्प से सुगंधित धुएं से गुजारा जाता है। फिर एक क्लीनिंग लाइन में बचा हुआ कचरा साफ कर दिया जाता है। इसके बाद काजू की पैकिंग की जाती है, जिसमें पैकिंग के समय काजू की फिर छटाई की जाती है और पैकिंग मटेरियल में से एयर रिमूव करके CO2 और नाइट्रोजन गैस भर के काजू की पैकिंग किया जाता है और इस तरह से काजू पैक होकर मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।